नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। आपको जानकारी देंगे कि सीता नवमी के दिन किस तरीके से आप अपने रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। यदि आपके घर में किसी भी तरीके का कोई वास्तु दोष या तंत्र दोष है तो सीता नवमी अर्थात जानकी प्रकटोत्सव पर आप किस तरीके से इन तमाम समस्याओं को खत्म कर सकते हैं, ये आपको बताएंगे। हर दिन की भांति होगा आज का दैनिक राशिफल, कौन सा रंग आपके लिए बेहतर होगा ये भी आपको बताएंगे। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि किचन से हम एक ऐसी सामग्री लेकर आए हैं जो आपके डर को हर तरीके से दूर करेगी। और आज का दिव्य मंत्र भी आपके डर की और आपके मन में समाये हुए पुराने से पुराने भय को बिल्कुल नष्ट कर देगा। तो कौन सा है दिव्य मंत्र, शुरुआत करते हैं आज के दिव्य मंत्र से। आज का दिव्य मंत्र है ओम हंग हनुमते नमः। इस मंत्र को आप नोट कर लीजिए, ओम हंग हनुमते नमः। इस मंत्र का 108 बार आज के दिन यानी जानकी प्रकटोत्सव सीता नवमी के दिन यदि आपने जाप किया तो आपके मन से बहुत सारा भय, डर, अकारण जो चिंताएं हैं वो बिल्कुल हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। तो इस मंत्र को नोट करिए और जाप जरूर करिएगा। अब बढ़ते हैं आज के दैनिक पंचांग की तरफ। आज का पंचांग 10 मई 2022 दिन मंगलवार, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। नक्षत्र है मघा। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण करेंगे राहु काल का समय, जिससे सभी लोग डरते हैं। दोपहर 3 बजे से लेकर शाम को 4:30 बजे तक ये समय रहने वाला है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करें तो बेहतर होगा। दिशाशूल होगा उत्तर दिशा, यानी आज के दिन उत्तर दिशा की तरफ आपको जाने की मनाही है। बहुत मजबूरी है, आपको जाना है तो भगवान श्री राम का ध्यान करके और उन्हें कुछ मिष्ठान अर्पण करके आप अपने कार्य के निमित्त जा सकते हैं। विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं सीता नवमी की महिमा और उसका महत्व क्या है, किस तरीके से आज आपको पूजा अर्चना करनी है ये भी बताएंगे। और आपकी फैक्ट्री में, आपके ऑफिस में या फिर आपके घर में किसी तरीके का कोई दोष है, वास्तु दोष है या फिर आप किसी नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित हैं तो बिल्कुल ना चिंता करिए, आज जानकी प्रकटोत्सव पर आपकी ये तमाम समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो आपको बताते हैं सबसे पहले सीता नवमी की महिमा और उसका महत्व। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मध्याह्न काल यानी कि दोपहर में 12 बजे के बाद पुष्य नक्षत्र में माता सीता का प्राकट्य हुआ था, यानी मध्याह्न काल के समय, एग्जैक्ट टाइम हम आपको बता रहे हैं। इसी कारण इस तिथि को सीता नवमी कहा जाता है। ये सीता नवमी यानी कि जानकी प्रकटोत्सव। सीता नवमी के दिन माता सीता की पूजा अर्चना करके आप बहुत सारी मुश्किलों को आसान कर सकते हैं, यानी आपकी जिंदगी की बहुत सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। इस दिन महिलाएं, हमारी माताएं बहनें, अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत भी करती हैं और ऐसा करने से उनका दाम्पत्य जीवन सुखी भी होता है और उनके पति की आयु जो है वो दीर्घायु हो जाती है, यानी कि आयु लंबी होती है। इस दिन देवी सीता की विशेष रूप से पूजा अर्चना करके हमारी जो घर की माताएं बहनें हैं वो अपने रोग को खत्म कर सकती हैं। इसी के साथ ही अपने पारिवारिक कलह कलेश को भी दूर वो कर सकती हैं। आइए अब जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, पारिवारिक कलह कलेश खत्म होंगे, जरूरतमंद लोगों की मदद करें। आज मेहमान आने का योग बना हुआ है, शुभ रंग होगा आज के लिए लाल। अपनी पत्नी के स्वास्थ्य पर आप ध्यान जरूर दें, आंख पर चोट लगने का योग दिख रहा है। नौकरी में आज के दिन कोई बदलाव ना करिएगा, शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी। अगली राशि मिथुन राशि, छोटी सी बात पर आपको किसी से उलझना नहीं है, आपके कुटुंब के वाद विवाद खत्म होंगे। अपने घर की समस्या किसी से ना कहें तो बेहतर होगा। आज के लिए शुभ रंग होगा हरा।
अब आपको बताते हैं कि सीता नवमी पर आपके घर की जितनी भी महिलाएं हैं, आपकी माता हैं, आपकी बहन हैं, आपकी बड़ी देवरानी है या जेठानी है, तो तमाम तरीके की परेशानियां जिससे वो जूझती हैं, अक्सर ऐसी दिक्कत हो जाती है जिससे हमारी माताएं बहनें अपने घर में रहकर अपने स्वास्थ्य को ठीक नहीं कर पाती हैं। तो सीता नवमी के दिन कुछ विशेष उपाय करके हमारी माताएं बहनें अपने स्वास्थ्य को अच्छा कर सकती हैं। सीता नवमी के दिन शुद्ध रोली से, मौली से, धूप दीप चावल से और पीले फल और पीले फूलों से आपको देवी सीता की पूजा अर्चना करनी है। विशेष तौर पर बेसन का लड्डू आप लें या फिर कोई पीली मिठाई लें और पीले ही फल उनको अपने दाएं हाथ से अर्पित करें। तिल के तेल का या फिर गाय के घी का आपको एक दिया जलाना है देवी सीता के समक्ष और एक आसन पर आप बैठ जाएं। अब यदि संभव हो और आपके पास अवेलेबल है तो लाल चंदन की माला से ओम श्री सीताए नमः, इस मंत्र को आप नोट कर लीजिए। बहुत आसान ये मंत्र है लेकिन इसका प्रभाव एकदम से विलक्षण। ओम श्री सीताए नमः मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। अपने घर की महिलाओं के स्वास्थ्य की प्रार्थना, उनको आरोग्य मिल जाए, ऐसी प्रार्थना देवी सीता से आपको करनी है और उनकी पूजा में रखा हुआ जल आप उन्हें जरूर पिलाएं। मात्र इतना सा करके देखिए, आज ही के दिन करके देखिए, एकदम से आपको फर्क दिखाई देगा। आइए अब जान लेते हैं कर्क सिंह कन्या राशि का दैनिक राशि फल। कर्क राशि, परिवार में मांगलिक कार्यक्रम होंगे, नौकरी के नए नए अवसर आपको आज जरूर मिलेंगे, संपत्ति के वाद विवाद थोड़ा सा बढ़ सकते हैं, शुभ रंग होगा आज के लिए नारंगी। स्वास्थ्य पहले से बेहतर हो जाएगा, अपनी कमाई के हिस्से से थोड़ी सी धनराशि आप जरूर दान करें, आपकी नई नई योजनाएं आज सफल होती हुई दिखाई देंगी, शुभ रंग होगा आज के लिए मेहरून। ऑफिस समय से पहुंचने का प्रयास करें, पंक्चुअलिटी थोड़ा दिखाइए, परिवार का साथ दीजिए, अपनी सेहत का आज के दिन विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है, शुभ रंग होगा आज के लिए गुलाबी। अब आपको बताते हैं कि सीता नवमी पर आपके पारिवारिक कलह कलेश कैसे खत्म हो सकते हैं, लेकिन आज का अचूक महामंत्र आपको एक समय पर दिया जाएगा और आज किचन से लेकर आए हैं हम आपके लिए एक ऐसी सामग्री जिसको अपनाने के बाद आपका डर, चाहे वो किसी शत्रु से हो, चाहे वो किसी बीमारी से हो, वह डर जो है आपका खत्म हो सकता है। लेकिन आपको बता दें कि सीता नवमी के दिन आप अपने घर में कुछ विशेष पूजा अर्चना करके पारिवारिक कलह कलेश को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। सीता नवमी के दिन दोपहर के समय आप प्रभु सीताराम को पीले फूलों की माला जरूर अर्पित करें, पीले मिष्ठान का भोग लगाकर मिट्टी के दिए में थोड़ा सा कपूर रखकर आप उनकी आरती करें। श्री सीता रामाय नमः, श्री सीता रामाय नमः मंत्र का एक माला जाप करें। आपके पास समय है तो एक माला कर लीजिए, वरना आप 27 मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। जाप के बाद मिष्ठान जो आपने प्रभु को अर्पित किया था वह जरूरतमंद बच्चों में और स्त्रियों में जरूर बांट दें। ऐसा करने से आपके पारिवारिक कलह कलेश देवी सीता और प्रभु श्री राम की कृपा से जरूर खत्म होंगे। आइए अब जान लेते हैं तुला वृश्चिक धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, दांपत्य जीवन की खटास कम होगी, रुके हुए कामों में गति आएगी, भाइयों का पूरा आपको सहयोग मिलने वाला है, आज के लिए शुभ रंग होगा आसमानी। शेयर बाजार में आप पैसा आज निवेश बिल्कुल ना करें, अपनी बुद्धि और अपनी वाणी से आज आप अपना कार्य सिद्ध कर लेंगे, यानी आपका काम बन जाएगा, रुके हुए धन की आज प्राप्ति भी होगी, शुभ रंग होगा आज के लिए पीला। व्यापार में उन्नति होगी, पहले का लिया हुआ निर्णय आज आपको सफलता देता हुआ दिखाई जरूर देगा, भाग्य आपका साथ देगा, शुभ रंग होगा आज के लिए गोल्डन यानी कि सुनहरी। अब आपको बताते हैं कि आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपकी फैक्ट्री में बहुत सारा वास्तु दोष है,
या फिर कोई नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव है, तो ये दोष कैसे दूर हो सकते हैं? आपने लाख जतन किए, आपका वो दोष दूर नहीं हो पाया। आपके परिवार के अंदर कलह कलेश रहती है, आपको पता है कि वहां पर वास्तु दोष है, आपने वास्तु के निमित्त उपाय भी किया लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। तो आज सीता नवमी के दिन अर्थात जानकी प्रकटोत्सव पर वह दोष बिल्कुल दूर हो सकता है। कैसे करना है ये उपाय, कैसे तमाम तरीके के दोष और नकारात्मक ऊर्जा आपके घर फैक्ट्री ऑफिस को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जाएंगे, ये आपको बताते हैं। चाहे तो आप सुबह के समय मॉर्निंग टाइम में, चाहे इवनिंग टाइम में, सीता नवमी के दिन पीले फूल और फल भगवान श्री राम और देवी सीता को अर्पित करें। अब आपको इस नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने के लिए एक नारियल पर पीले रंग का यदि हो जाए कलावा अवेलेबल हो तो उस कलावे को आप नारियल पर लपेट दीजिए, पीले रंग का मिष्ठान लीजिए और श्री राम को आप ये अर्पित करें। उनके सामने एक लोटा तांबे का या फिर पीतल का जल भरकर आप रख दीजिए। अब यह जो उपाय है आप इसे घर में भी कर सकते हैं, किसी राम मंदिर में भी कर सकते हैं, किसी शिव मंदिर में भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। आप कुशा के आसन पर बैठ जाएं और श्री राम रक्षा स्तोत्र का आपको हो सके तो 3 बार पाठ करना है, वरना 1 बार भी आप ये पाठ कर सकते हैं। जैसे ही आपका श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ पूरा हो जाए, जल का छिड़काव अपने ऑफिस में जहां पर वास्तु दोष था, फैक्ट्री में जहां नकारात्मक ऊर्जा समाई हुई थी, और अपने घर में तमाम तरीके के दोषों को आप दूर कर सकते हैं। तो जल का छिड़काव आपको जरूर करना है और प्रत्येक सदस्य परिवार का इस जल का सेवन जरूर करें। तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से जानकी प्रकटोत्सव पर आप अपने घर के तमाम दोषों को कैसे दूर कर सकते हैं। अब समय हो चला है मकर कुंभ मीन राशि का दैनिक राशिफल जानने का। मकर राशि, अपनी वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें। किसी व्यक्ति के कारण आपका आज नुकसान हो सकता है, सोच समझकर ही आज आपको निर्णय लेना है। शुभ रंग होगा आज के लिए गाजर। अपनी बुद्धि से आज किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या को आप सुलझा सकते हैं। किसी का विरोध आज के दिन आपको नहीं करना। रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग होगा आज के लिए ग्रे। आज दिन आपका आरामदायक बीतेगा। कोई लंबी यात्रा आज के दिन ना करें, चोट लगने से बचाव होगा। शुभ रंग होगा आज के लिए लाल। अब समय हो चला है सफलता के अचूक महा उपाय महामंत्र को आपके साथ साझा करने का, तो वो भी आपको देते हैं। आज के दिन एक लाल फूल, चाहे तो वो गुड़हल का हो चाहे गुलाब का हो, एक लाल फूल हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए। अपने कार्य के लिए चले जाइए, आपका कार्य जरूर सफल होगा। अब बात करते हैं हमारी माताओं बहनों की सेहत और उनके रेस्पेक्ट यानी कि सम्मान की। अक्सर हमारी माताएं बहनें घर में अपनी सेहत को लेकर बहुत ज्यादा लापरवाही भी करती हैं कि कुछ प्रॉब्लम हुई उनको, कोई बीमारी हुई तो वो सोचते हैं कि अपने आप ही ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यदि हमारी माताएं बहनें बहुत समय से खांसी से परेशान हैं तो आज क्या उनको उपाय हम दे रहे हैं ये आप नोट कर लें। थोड़ी सी काली मिर्च आपको लेनी है और उसको पीस लीजिएगा, शुद्ध शहद के साथ मिलाकर आप इसका सेवन करें। दिन में 2 या 3 बार करके देखिएगा, आपके गले में, आपकी खांसी में आपको आराम जरूर मिलेगा। अब बात करते हैं उनके सम्मान की। देवी दुर्गा को आज के दिन यानी कि सीता नवमी के दिन एक गुड़हल का फूल आप अर्पित कर दीजिए। मात्र ऐसा करने से देखेंगे कि आपको हर तरीके से सम्मान मिल रहा है और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हो रहा है। अब आपसे एक उपाय साझा करने जा रहे हैं जो कि आपके डर की समस्या को, आपके वहम की समस्या को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। तो आज किचन का महा उपाय आप हमसे ले लीजिए। आज किचन के महा उपाय में हम किचन से लेकर आए हैं सौंफ को। कैसे करना है प्रयोग? एक मुट्ठी सौंफ लेनी है आपको और किसी लाल कपड़े में बांध कर, हो सके चौकोर आप इसकी थैली बना ले तो ज्यादा बेहतर है, वरना आप किसी लाल कपड़े में इसे बांध कर अपने सराहने रखें। डर की, वहम की, तमाम तरीके की समस्याएं इस छोटे से उपाय से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। तो आज हमने आपको बताया
कि कैसे जानकी प्रकटोत्सव अर्थात सीता नवमी के दिन अपने घर के दोषों को आप दूर कर सकते हैं, हमारी माताएं बहनें कैसे स्वस्थ हो सकती हैं, तो आज इन उपायों को जरूर अपनाइएगा। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।